नमस्कार दोस्तों, आमिर खान ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से यह कंफर्म किया है कि उनकी अगली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। विजय कृष्णाचार्य द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली यह फिल्म 1839 की बेस्ट सेलर नोवेल कॉन्फेशन ऑफ थग के ऊपर से आधारित होगी। फिल्म में 19वीं सदी के भारत को दिखाया जाएगा और थग कल्चर के इतिहास को दिखाया जाएगा, जो कि आज़ादी से पहले के समय में हुआ करते थे, जो कि पैसों और कीमती चीजों के लिए यात्रियों की हत्या करते थे। फिल्म में पिता पुत्र के रिश्ते को दिखाया जाएगा, जिसका किरदार बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन और आमिर खान द्वारा निभाया जाएगा। इसके अलावा फिल्म में इन ठग्स की रोमांटिक लाइफ भी दिखेगी। फिल्म की मेन हीरोइन कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ के किरदार के बारे में बात करें तो वह फिल्म में डांसर की भूमिका में है, तो धूम 3 और अग्निपथ के बाद इस फिल्म में भी आपको कैटरीना का मनमोहक डांस देखने को मिलेगा। फिल्म में दंगल की अभिनेत्री फातिमा शेख का भी बहुत अहम रोल है। लगभग दिवाली 2018 पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। थग्स ऑफ हिंदुस्तान को हॉलीवुड की फेमस सीरीज पायरेट्स ऑफ कैरेबियन पर से आधारित माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में आमिर खान ने अफवाह को नकारते हुए कहा है कि यह फिल्म किसी भी एक्शन फिल्म पर से आधारित नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोरंजन और बॉलीवुड से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ताज़ा और भी धमाकेदार खबरों के साथ।